रही हूँ हनुमान मंदिर, और अभी मैं पहले मैं शूज रिमूव करके फिर हैंड वॉश करती हूँ। ये देखिए गाइज, आज तो भीड़ है मंदिर में, लाइन काफ़ी टाइम बाद इतनी भीड़ मिली है। एक्चुअली मैं आज थोड़ी लेट हो गई आने में, मेरी एक फ्रेंड बीमार चल रही है तो मैं उनसे मिलने चली गई हॉस्पिटल। फिर मैं अभी मंदिर आई हूँ और अभी मुझे पता था, एक्सपेक्टेड था ये कि काफ़ी रश मिलेगा यहाँ पे, पर कोई बात नहीं, जितनी भीड़ वो भी बढ़िया बात है, उतनी देर बाबा के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है। जय श्री हनुमान जी, जय श्री राम जी, आप सभी भी दर्शन कीजिए हमेशा की तरह। आज मैं आपको फिर से दर्शन करवा रही हूँ भगवान जी के, और जो भी मनोकामना आपकी हो आप भी वो प्रार्थना बाबा से कर सकते हैं। आई विश कि आपकी भी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। ये हैं माता रानी, जय माता दी। माता रानी का आशीर्वाद भी ले लो भाई। और ये दरबार का मैं हर बार बोलती हूँ, और ये देखो लाइटिंग से है ना मस्त, कितना प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। ये भजन का ही एकदम तो याद आ जाए, हाँ वीडियो बनाते बनाते एडिटिंग के टाइम पे मुझे ये याद आ गया तो मैंने सुना दी एक लाइन। और चलो आगे चलते हैं, गणपति महाराज जी की जय हो, कृपा बनाए रखना भगवान जी। गाइस मंदिर आके जो शांति और सुकून है ना, वो दुनिया में किसी भी कोने में नहीं है, मैं ये मेरा मानना है, बाकी आपका जो मानना है भाई वो आपको पता होगा। तो अभी चलते हैं हम आगे दूसरी तरफ मंदिर के, जहाँ पे कि भोलेनाथ जी विराजमान हैं। अब हम शिव जी का आशीर्वाद लेंगे। और ये मेरे प्यारे से हनुमान जी, इनके साथ थोड़ा वीडियो सेशन किया मैंने, फ़ोटो सेशन किया। अब मैं जाऊंगी आगे, और आज भैया देखो यहाँ पे जो लगता था ना कैंप, दांतों का फ्री चेकअप का कैंप, आज वो नहीं था, या पता नहीं हो सकता है पहले था लेकिन अभी जा चुकी हूँ क्योंकि मैं थोड़ी लेट हो गई थी आने में, हो सकता है आए भी होंगे तो जल्दी चले गई हूँ, पर मैं पहुँची तब नहीं था। चलिए भोलेनाथ जी के दर्शन कीजिए, हर हर महादेव, भोलेनाथ जी की कृपा बनी रहे हम पर भी, आप सभी पर भी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और जैसे मैंने बताया कि भीड़ थी आज, तो हर जगह दर्शन के लिए काफ़ी टाइम लग रहा था, यहाँ पे भी आई तो काफ़ी ऐसे भीड़ थी, काफ़ी टाइम बाद नंबर आया कि मैं भी बाबा के दर्शन कर पाऊँ भोलेनाथ जी के। तो गाइस चलिए अब चलते हैं हम ऊपर, पहले भोलेनाथ जी को मैंने फूल चढ़ा दिया है, फूल दे दिया है, और अब चलते हैं आगे। और ये क्या हो गया रे, पता नहीं क्या हो गया, पैर पे एकदम से ऐसा लगा जैसे कुछ लग गया था। खैर अब यहाँ पे माता रानी का मंदिर है, दर्शन कीजिए आप सभी भी। जय माता दी, कृपा बनाए रखना माता रानी। अब यहाँ पे हमेशा की तरह मैं करूँगी परिक्रमा। बहुत सारे लोग हैं जो डेली भी आते हैं मंदिर, मैं डेली तो नहीं आ पाती पर हाँ कोशिश करती हूँ कि हफ्ते में एक बार ज़रूर आ जाऊँ। और अभी तो काफ़ी टाइम से मैं एक रूटीन सा थोड़ा बनाया हुआ है मैंने कि मैं ट्यूसडे को मंदिर आ जाती हूँ हनुमान जी से और बाकी सभी भगवान जी से मिलने और उनका आशीर्वाद लेने। तो आज भी आई हूँ, काफ़ी लेट हो गई थी, फिर मैंने सोचा जाऊँ ना जाऊँ पर मन नहीं माना तो फिर मैं मंदिर आ गई। और यहाँ पे भाई ये घंटी बजा के, और यहाँ पे ऐसे विश मांगनी होती है, मैंने भी मांगी थी, देखते हैं कब पूरी होगी, जब पूरी होगी तब मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। अब चलते हैं हम आगे, ये हैं गायत्री माँ जी का मंदिर। जय माता दी। अब शनि देव जी के दर्शन करेंगे, पीपल देवता और शनि महाराज जी के दर्शन, इनकी भी कृपा हम पर हमेशा बनी रहे, आप भी दर्शन कीजिए। और आप सभी कमेंट करके बताइएगा आप कब कब मंदिर जाते हैं, कितने दिन में जाते हैं, कोई फिक्स डे या डेली
और गाइज कुछ लोगों का तो रूटीन होता है जो डेली सुबह जाते हैं, सर्दी हो या गर्मी, ये रूटीन नहीं टूटता। और मेरे से तो ऐसा रूटीन नहीं बन पाया है, बाकी बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। और अब मैं ढूंढ रही हूँ भाई अपने शूज़, काफ़ी भीड़ थी पर चलो मिल गए। मेरे को लगा भीड़ में कहीं इधर उधर हो रखे हो। कई बार क्या होता है, एक शू जैसे शूज़ चप्पल जो भी हम पहन के जाते हैं, एक इधर है दूसरा उधर है, ज़्यादा भीड़ होती तो पैर वैर लग के हो जाता ना, पर मिल गए थे भाई आज। खैर छोड़ो, आप दर्शन करो हनुमान जी के फिर से। और आज के व्लॉग में गाइस बस इतना ही, आई होप कि आप बहुत अच्छे से दर्शन कर पाए होंगे। फिर मिलते हैं कल अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम, जय श्री श्याम, जय माता दी, हर हर महादेव, जय बजरंगबली।